वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ 15 ऐसे गेम्स के बारे में, कुछ इंगेजमेंट के बारे में जो आप छोटे बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं। तो उनको कैसे इंगेज करें ताकि उनकी बुद्धि का भी विकास हो, उनके पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट हो और साथ ही वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे। तो ऐसी 15 एक्टिविटी जो मैं खुद आशी के साथ करती हूँ, ये मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। आई होप अगर ये चीज़ें आप घर में करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपके बच्चे का भी काफ़ी अच्छा विकास होगा। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 15 एक्टिविटी के बारे में। देखिए, अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जो चीज़ें वो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसी कोशिश हमें करनी है कि कुछ ऐसी चीज़ें ही वो देखें और ऐसी चीज़ें ही समझें जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट एक गेम हो जाता है, वो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक छोटे बच्चे भी बनाते हैं, 2 साल के भी और 5 साल के बच्चे भी बनाते हैं, तो उनका लेवल बढ़ते जाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक से क्या होता है, बच्चों का कंसेप्ट डेवलप होता है, वो सीखते हैं, समझते हैं, बैलेंसिंग करना सीखते हैं, स्टैक करना सीखते हैं, कलर्स के बारे में जानते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक में बच्चे काफ़ी देर तक इंगेज रहते हैं। तो यहाँ मैं सलाह दूंगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 2 से 5 से 6 साल के हैं, तो उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ज़रूर लें। अगर वो बड़े हो रहे हैं तो बड़े लेवल के ब्लॉक्स लें और उनके साथ बैठ के बनाएं। क्योंकि मैं देखती हूँ आशी को कभी वो कैसल बनाती है, कभी वो टॉय बनाती है, कभी कुछ बनाती है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लेवल बढ़ रहा है और बहुत देर तक इंगेज भी रहती है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बच्चों के लिए ज़रूर लें। दूसरी एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं, बच्चों के लिए पज़ल रखते हैं। पज़ल में भी क्या होता है, बच्चे बहुत देर तक इन्वॉल्व रहते हैं और साथ में बैठ के करें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे मैंने दे दिया बच्चे कर लेंगे, वो नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम दें, शुरुआत में कुछ दिन साथ में बैठ के करें। एक बार जहाँ बच्चे सीख लेंगे फिर वहाँ आपको बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से काफ़ी देर तक बैठ के बनाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है जहाँ बच्चे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं, उनके कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है, तो पज़ल आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चे का फोकस आप डेवलप करना चाहते हैं, फोकस डेवलप करना चाहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो एक टॉय है डार्ट। डार्ट यानी जो एक बैट रहता है उस पर हम निशाना डालते हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, वो छोटे बच्चों के लिए भी आता है, तो वो आप ले सकते हैं और बच्चों को उसमें साथ में बैठ के खेल सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चे फोकस करना सीखते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है उनका और वहाँ आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बच्चे काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है। जैसे आप कंपटीशन कर सकते हैं, चलो पॉइंट्स देते हैं कितनी बार कौन करता है, तो ये काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट हो सकता है। चौथा गेम बोलूँगी कि यहाँ पर बच्चों के लिए आप जिंगा ले सकते हैं। जिंगा से भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, डोमिनोज बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, वो स्टैकिंग सीखते हैं, बैलेंसिंग सीखते हैं, डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं और काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं। नेक्स्ट जो मैं बोलूँगी कि बच्चों को यहाँ पे आप डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, डे टू डे होम कोर्स में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ अपनी, तो मैं जैसे कपड़े में लाती हूँ तो बोलती हूँ चलो आशी फोल्ड करते हैं, तो फिर वो बैठ के मैं उसको सिखाती हूँ, देखो उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, 1 फोल्ड 2 फोल्ड डन। तो ये गुड हैबिट्स की भी चीज़ें हैं जो बच्चे ग्रेजुअली सीखते हैं। अगर आपका मेल चाइल्ड है तो उससे भी इन्वॉल्व करें, ये अभी से आप डिफ्रेंशिएट ना करें कि लड़का है ये क्यों करेगा, ये लड़की है करेगी, नहीं। बोथ आर इक्वल एंड बोथ शुड डू एवरीथिंग इक्वली। बेड ही क्लीन कर रहे हैं तो बेड बनाना बच्चे को सिखाएं, क्योंकि जो चीज़ें वो आपको देखेंगे वो फर्दर खुद ही पर खुद फॉलो करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो डेली होम की चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ा बहुत, जैसे कार वॉश कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उनको मज़ा भी आएगा और वो काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। नेक्स्ट मैं बोलूँगी रोल प्ले। रोल प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे खुद ब खुद करते हैं, नहीं करते हैं तो वहाँ आप उनको इनकरेज ज़रूर करें। जैसे वो आपको पूरे दिन देख रहे हैं, अपने पापा को पूरे दिन देख रहे हैं, घर में और लोग हैं उनको देख रहे हैं, तो उनकी वो नकल उतारेंगे, तो यहाँ पता चलता है कि बच्चे कितना माइनूटली ऑब्जर्व करते हैं, कितने अच्छे से वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे को रोल प्ले जब आप इनकरेज करते हैं तो वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। रोल प्ले एक अच्छी चीज़ है, जैसे स्कूल में तो काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, लेकिन चूँकि अभी बच्चे घर पर हैं तो घर पर भी बच्चे को आप रोल प्ले सिखा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, यहाँ मैं बच्चों को बोलूँगी कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग के लिए इनकरेज करें। जैसे आप उनको स्टोरी सुनाएं और बच्चे को भी इनकरेज करें कि वो स्टोरी सुनाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होता है, कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होता है। स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, इसमें स्क्रीन टाइम भी बच्चों का थोड़ा कम होगा। जो शिकायत है कि बच्चे पूरे दिन मोबाइल और टीवी में है, तो वो भी थोड़ा सा उनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम होगा और बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टोरी टेलिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों के साथ मस्ती करें। मस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सिंगिंग एंड डांसिंग। कोई म्यूज़िक प्ले कर दे और दोनों जी भर के डांस करें, क्योंकि बच्चों की बॉन्डिंग वहाँ आपसे बहुत अच्छी हो जाती है। जब ये चीज़ें आप करते हैं तो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है।
तो डांस करेंगे, म्यूज़िक सुने साथ में बैठ के आप टीवी देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद है उनके साथ कम्युनिकेट करें। जितना ज़्यादा आप बातें करेंगे उतना ज़्यादा उनका लैंग्वेज डेवलप होगा और आपका भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि बच्चों के साथ जी भर के मस्ती करें और सिंगिंग एंड डांस ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़, बच्चों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ज़रूर मिलवाएं, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई एक ना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों को ज़रूर दें। बिकॉज म्यूज़िक जो होता है वो काफ़ी कुछ सिखाता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, बच्चों की इमेजिनेशन को डेवलप करता है। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किस सेक्टर में जाना चाहता है, क्या एक्सप्लोर करेगा, लेकिन उन्हें दे सारी चीज़ें, उन्हें आप म्यूज़िक ज़रूर दें और देखें कि वो कितना एक्सप्लोर करता है। आपको बिल्कुल नहीं पता, हो सकता है वो आगे चल के म्यूज़िशियन बन जाए, बहुत ज़्यादा इसमें निकल जाए, इसीलिए उनको कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि कलरिंग एंड पेंटिंग को भी ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। इसमें भी बच्चे काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं, उनके लिए वाटर कलर ले सकते हैं, क्रेयॉन्स ले सकते हैं, कलर्स वाली बुक ले सकते हैं। और यहाँ भी आपको साथ में बैठ के कुछ कुछ करना होगा, जैसे आप एक पेज करो, एक पेज उनको करने दो, या फिर जब वो कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी हेल्प कर दो, क्योंकि जहाँ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का इंटरेस्ट डबल हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों को साइकिलिंग ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। बच्चे जैसे ही आपके 4 साल के हो जाएं या 3, बच्चे जैसे ही आपके 3 से 4 साल के हो जाएं, तो उनको साइकिलिंग ज़रूर दें, बच्चों को साइकिल करना सिखाएं, बैलेंसिंग सिखाएं, बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। बच्चे जब साइकिलिंग करते हैं तो बैलेंसिंग सीखते हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख पाते हैं, बाद में क्या होता है फियर आ जाता है। तो बच्चों को आप साइकिलिंग सिखा सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट स्केटिंग में है तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें आपको लगता है कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जहाँ आप करवा सकते हैं, उन सारी चीज़ों में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि बोर्ड गेम ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। बोर्ड गेम में आप लूडो दे सकते हैं, कैरम दे सकते हैं, इसके अलावा चेस दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता काफ़ी बढ़ती है। अब बोर्ड गेम्स में भी आपको वहाँ इन्वॉल्व होना होगा, थोड़ा सिखाना होगा। बच्चे जहाँ एक बार सीख जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे वो खुद ही अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। तो बोर्ड गेम एक अच्छा तरीका है बच्चों को इंगेज रखने का, उन्हें कुछ सिखाने का। नेक्स्ट चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि अभी तो बच्चे बाहर इतना नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर जाएंगे तो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के लिए पुश करें, जैसे भाग भाग के खेलना, हाइड एंड सीक खेलना, छुपन छुपाई खेलना, दौड़ना, भागना, बॉल कैच करना, फेंकना। इससे क्या होता है बच्चों की फिजिक डेवलप होती है। बच्चे जितने ज़्यादा घर में बंद रहते हैं उतने ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं धूल मिट्टी में खेलते हैं तो वो स्ट्रांग बनते हैं। उसके लिए बच्चों को जब भी मौका मिले बाहर ज़रूर ले जाओ, और बच्चों को फिजिकली एक्टिव होने के लिए ज़रूर फोकस करें। इसके अलावा अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप बच्चों के लिए लीगो ले सकते हैं। लीगो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, वहाँ भी आपको साथ में बैठ के शुरुआत में बनाना होगा, लेकिन जहाँ एक बार बच्चे वो सीख जाएंगे इसके बाद वो खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, तो इससे भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये कुल टोटल 15 एक्टिविटी है जो मैं घर पर आशी के साथ करती हूँ। काफ़ी देर तक वो बिज़ी रहती है तो यहाँ बच्चे का सोचने सीखने का क्षमता भी बढ़ता है, बच्चों का विकास होता है और बच्चों की ब्रेन की काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो ये मेरा टेक है इसके ऊपर, आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे लिख के बताएं। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आए तो मिनट को उधर चलो मारे चलो मारे दो मिनटों में चलो। तो ये मेरा टेक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।